ये सेम रिकमेंडेशन का टायर है 140/70/17 जो गाड़ी के लिए रिकमेंडेड है कंपनी की तरफ से, एंड ये है 140/70/17/66S, ये देख सकते हैं आप 66S। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एक सेकंड यार, मैं पहले रोड क्रॉस कर लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे ना लोग थोड़ी आड़ी टेढ़ी गाड़ी चलाते हैं। जाओ सब कुछ जाओ आगे, चलो 1 2 3। तो यार ये वाला टॉपिक और थंबनेल तो आप देख ही चुके हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा ये वीडियो है बेसिकली मेरे बैक टायर की। और बैक टायर के लिए सही बताओ MT के लिए बहुत ज़्यादा ऑप्शंस मार्केट में अवेलेबल है नहीं, एज यूट्यूब के मार्केट में तो बिल्कुल भी नहीं। यूट्यूब पर मैंने बहुत ज़्यादा सर्च करा, इवन R15 V3 के लिए भी, तो मैक्सिमम लोगों ने 110-150 पड़वा लिया, दैट इज़ अपोलो अल्फा H1, जो कि बजट से भी मेरे बाहर था और गाड़ी की कुबत से भी। और एक भाई साहब ने तो बहुत ही तगड़ा करवा रखा था MT पे ही, उसने डलवा रखा है मिचलिन रोड 5, भाई साहब 16-17 हज़ार का सेट पड़वा रखा है, पता नहीं उससे क्या ही परफॉर्मेंस आती होगी, आती तो अच्छी होगी बट स्टिल यार थोड़ा सा पिकअप और परफॉर्मेंस भी डाउन हुई होगी। खैर मैंने यार एक दो जगह देखा भी है लोगों ने 110-150 अपोलो अल्फा H1 लगा रखा है, उससे उनकी परफॉर्मेंस इंक्रीज हुई है, इवन टॉप एंड में उनका 140 प्लस जा रही है, आई डोंट नो वाई, बट जनरली मेरी नॉलेज के हिसाब से तो नहीं होता ऐसा, मौसम अच्छा हो रहा है। तो मैंने अपनी साइड से यार काफ़ी रिसर्च करी, एक जना मुझे मिला उसने R15 V3 में अपोलो अल्फा S1 का सेट पड़वा लिया था, बट वो भी मुझे समझ नहीं आया क्योंकि देखो S1 टायर बुरा नहीं है, ज़्यादा महंगा है बट वो टायर भारी बहुत है, मैं अपनी गाड़ी में लगा के चला चुका हूँ, एंड भाई साहब उसने ना गाड़ी कैसी तैसी कर दी थी, ना उसने मेरा 3500 ऊपर का माइलेज दिया और हर गियर के लिमिटर की स्पीड भी डाउन कर दी, बहुत भारी टायर है यार वो। बट हाँ एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, उसने ग्रिपिंग मुझे बहुत अच्छी दी, तो मुझे मिला नहीं यार, फिर मैंने एक दो जगह ढूंढा तो मुझे मतलब मेरे नोन शॉप है उसने मुझे सजेस्ट किया, तो मैंने टायर मंगाया। तो ये टायर कौन सा है मैं आपको अभी चल के एक जगह दिखाता हूँ, और काफ़ी बढ़िया टायर है यार इन दैट बजट, और काफ़ी सस्ता भी मिल जाता है अगर MRF के टायर से भी हम सजेस्ट करें, ये MRF FZS जो उसमें पढ़ के आता था उससे भी काफ़ी सस्ता है। तो चलो आपको टायर दिखाते हैं और सीधा स्पॉट पे चल के आपको वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो चलो टायर की बात कर लेते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ पहले लगाया कौन सा है। ये लगा है मैक्सिस का एक्स्ट्रा मैक्स। गाड़ी गंदी हो रही है यार, उसका रीज़न ये है कि अभी भी यहाँ पर बारिश आई थी 2 घंटे पहले। फ्रंट में मेरे अभी भी वही लगा, आपने देखा होगा वीडियो में, पीछे मेरा लगा है मैक्सिस का एक्स्ट्रा मैक्स। बहुत से लोगों को इसका नाम नहीं पता होगा, देख सकते हैं ये लिखा भी है इसमें मैक्सिस एक्स्ट्रा मैक्स। तो ये सेम रिकमेंडेशन का टायर है 140/70/17 जो गाड़ी के लिए रिकमेंडेड है कंपनी की तरफ से, एंड ये है 140/70/17/66S। तो पहले मैं आपको इसको डिकोड कर देता हूँ, 140 सेक्शन तो आपको पता है कि टायर का साइज़ हो गया, 70 इसकी विड्थ हो गई, और R17 का मतलब 17 इंच का अलॉय, और जो 66S का मतलब होता है वो मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट में दिखा देता हूँ। उस पर लिखा हुआ ये देख सकते हैं आप 66S ये है। अरे यार ये लो पंगा लेने आ रहा है, नहीं 140/145 की आती है, ज़्यादा नहीं आती है, सही भाग जाती है, सही छः गियर नहीं आती है गाड़ी में। तो यार यहाँ पे भी बच्चों ने पकड़ लिया था और शाम का टाइम हो रहा है, तो शूट करने में मुझे थोड़ी जल्दी हो रही है, तो अभी मैं कोई और स्पॉट ढूंढता हूँ और वहाँ पे आपको अपनी बात कंटिन्यू करता हूँ, बात बीच में छोड़नी पड़ गई क्योंकि एकदम से मैंने देख लिया था दूर से 6-7 बच्चे आ गए थे। तो भाई अभी पीछे बच्चों ने पकड़ लिया था यार, तो 66S का मतलब मैं आपको बता रहा था, 66 का मतलब होता है कि ये कैटेगरी होती है टायर की जिससे आपका पता चलता है कि आपका टायर कितना मैक्सिमम वेट सहन कर सकता है। तो 66 कैटेगरी के टायर्स 300 kg तक वेट को सहन कर सकते हैं, एंड एस का मतलब भी एक कैटेगरी होता है। तो एस रेटिंग का मतलब होता है कि एक सर्टेन लिमिट तक, स्पीड लिमिट तक आपका टायर सिर्फ चल सकता है या झेल सकता है, उसकी कैपेसिटी उतनी है। तो एस रेटिंग की स्पीड कैपेसिटी होती है 180 km/h। तो यार हमारी गाड़ी ऑलरेडी 150 नहीं आती है आसानी से, 140/145 जाती है, तो हमारे लिए ये रेटिंग बेस्ट है। MRF का जो उसमें डल के आता था MRF RevZS 140/70/17 वो 66H का आता था। एच रेटिंग का मतलब क्या होता था कि वो 210 km/h तक जा सकती है, मगर वो हमारी गाड़ी में इतना कुछ फ़ायदा है नहीं। और प्राइस में काफ़ी डिफरेंस आता है, स्टाइल में काफ़ी डिफरेंस आता है, मैं एक बार आपको दिखाता हूँ। इसका आप डिज़ाइन देखो यार, अभी गाड़ी गंदी हो रही है बट ऑनेस्टली ये डिज़ाइन बहुत अच्छा लगता है। इवन ये टायर काफ़ी चौड़ा है उस वाले से,
अगर हम उसके लुक्स को देखें और इसके लुक्स को देखें तो बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क आ जाता है, दोनों में काफ़ी डिफरेंस आता है। वो काफ़ी वो पतला सा लगता है, छोटा सा, और काफ़ी चौड़ा लगता है, इसकी ग्रिपिंग भी काफ़ी अच्छी लगती है। इसको मैं चला चुका हूँ 5-7 हज़ार किलोमीटर, ये काफ़ी घिसते भी लगाए मैंने, इससे आज तक एक भी बर्नआउट नहीं करा, स्लिप नहीं करी है। उसका रीज़न है यार, क्योंकि मैंने पिछले टायर से सारी अपनी इच्छाएँ पूरी कर ली थी। थोड़े बर्नआउट की क्लिप्स मैं आपको ऐड करके दिखा दे रहा हूँ पिछले टायर की। इससे मैंने कुछ भी नहीं किया है, बट इसलिए इतना टर्नआउट हो चुका है क्योंकि ये सॉफ्ट कंपाउंड टायर था। बाकी मैक्सिस का मैं शायद से नेक्स्ट उसमें पूरा सेट ही पढ़वा लूँगा, कुछ 5,000 के अंडर या 5,500 के अंडर पड़ जाएगा। MRF का मैं सेट पढ़वाऊँगा तो वो मुझे पड़ेगा यार 7-8 हज़ार का, वो कोई सेंस लगता नहीं है। तो बस मैंने आपको एक छोटा सा रिव्यू देना था, इसी कॉस्टिंग में बता देता हूँ। अभी तो खैर टायर्स में इंक्रीज़ आया है कॉस्टिंग में, हर टायर में 400-500 का लमसम इंक्रीज़ आया है कुछ महीने से, मगर जब मैंने लिया था तब ये मुझे पड़ा था 3,000 का टायर, ना ऊपर ना नीचे। तो बस चलो अब सीधा आपसे सेटअप पे मिलते हैं और थोड़ी सी और बातें करते हैं और सीधा वीडियो को एंड करते हैं। तो आप लोग कमेंट करके बताओ यार कि ये टायर आपको कैसा लगा। मेरे को तो ये 3,000 के बजट में सबसे बेस्ट लगा, 3,000 में आज के डेट में कोई टायर आता भी नहीं है। तो बस इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी क्योंकि मुझे पता है यार MT के लिए कोई टायर नहीं है, ये एक ओनरशिप रिव्यू भी कह सकते हो आप। तो बस यहाँ पे वीडियो ख़त्म करते हैं, टिल देन मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय। और मैं थोड़ा घूमने आ चुका हूँ रात में, देख सकते हो थोड़ी हाई स्पीडिंग कर रहा हूँ, बट कोई नहीं।